अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को इंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेके आए हैं। डिज़र्ट में इतना कुछ है और सारा कुछ एक से बढ़कर एक मज़ेदार और गज़ाइयत से भी भरपूर होगा ये डिज़र्ट। तो चलें फिर फटाफट से मज़ेदार सा सागो फ्रूट डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और हमारे वीडियोस को लाइक किया करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब हमने एक टेबल स्पून भर के लिए है चिया सीड्स का और उसको आधा कप पानी में भिगो के साइड पर रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाएँ। ये हमारे सागो फ्रूट डिज़र्ट में बहुत काम आएंगे। और एक लीटर मैंने तकरीबन पानी लिया है, उसमें दो तीन चुटकी येलो फूड कलर के डाल दिए हैं। जो कलर आपको पसंद हो वो डालें और अगर नहीं पसंद तो ना डालें। आधा कप मैंने सागो पर्ल्स यानी सागुदाने के दाने लिए हैं और इसको डाल के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पकाया। तो ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जब हो जाएँ तो इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लें और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के तो इस तरह से एक दफ़ा इसको स्ट्रेन कर लें और इसको रखेंगे हम साइड पर। यहाँ पर हमने लिया है पैन में एक कप दूध और दो कप मैंने लिया था कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में और उसको 4-5 टेबलस्पून दूध में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है गाढ़ा होने तक। और ये देखें जी हमारा जो कस्टर्ड है वनीला फ्लेवर का वो गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क के शामिल कर दिए हैं। कंडेंस मिल्क घर में कैसे बनाना है मेरे चैनल पर देखें, 10 मिनट में बन जाएगा। अब जनाब देखें ये हमारा कस्टर्ड जो है ना वो गाढ़ा हो चुका है तो इसको शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में और ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद ये जो हमने सागुदाना बॉईल करके रखा हुआ था इसको इसमें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो चिया सीड्स रखे हुए थे इसका भी पानी अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो स्टेन करके तो वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखें इसको तो ऐसे भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हम इसको और मज़ेदार बनाएंगे फ्रूट्स डाल के। अनार डाले हैं मैंने, अंगूर डाले हैं, बनाना और सेब डाला है और थोड़े से इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बादाम वगैरह काट के। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से गार्निश कर लेंगे। और ये देखें फटाफट हमारा जो इतना मज़े का सागो फ्रूट डिज़र्ट जो है वो बन के रेडी हो गया। इतना यमी बनता है ना, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। आप कैसी लगा आपको हमारा मज़ेदार सा सागू फ्रूट डिजर्ट का आइडिया? अच्छा लगा है तो इसको फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।